गाइस अभी हम चले हैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट क्योंकि ये हॉस्टल के थोड़ा पास है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट। गाइस ये एनाटॉमी बिल्डिंग और अभी हम जाएंगे लेक्चर हॉल देखने। तो गाइस एनाटॉमी डिपार्टमेंट हम देख चुके हैं और अब हम जा रहे हैं मेन यूनिवर्सिटी, जहाँ पर हम बायो डिपार्टमेंट, फिजियो डिपार्टमेंट, माइक्रोबायो डिपार्टमेंट, रशियन डिपार्टमेंट, इन सब के पास जाएंगे। गाइस अभी हम चले हैं बायो डिपार्टमेंट क्योंकि बायो जो है फर्स्ट ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम वहाँ पे जा रहे हैं और उसके बाद हम जाएंगे रशियन डिपार्टमेंट। तो फर्स्ट ईयर में सिर्फ दो ही एग्ज़ाम होते हैं हमारे, बायो एंड रशियन। तो अभी हम वहीं पे जाएंगे। तो ये बायो डिपार्टमेंट, ठीक है, ये बायो डिपार्टमेंट। हाय, अभी हम चले हैं डीन्स ऑफिस और डीन्स ऑफिस के अंदर भी कुछ चीज़ें लगती हैं लाइक हिस्ट्री ऑफ एशिया, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन वगैरह। तो अभी हम यहाँ का भी देखेंगे। गाइस ये था डीन्स ऑफिस और यहाँ की जो क्लासेस लगती हैं वो। अब हम चले हैं मेन बिल्डिंग। वैसे पहले जाना था बट यहाँ पे बंद होने वाला था इसलिए हम चले गए। तो अभी हम जा रहे हैं मेन बिल्डिंग। यहाँ पर मेन बिल्डिंग में फर्स्ट ईयर की मेन क्लासेस लगती हैं केमिस्ट्री। यहाँ पर लेक्चर्स भी लगते हैं और जैसे केमिस्ट्री का लेक्चर और बायो का लेक्चर सब यहीं पर लगते हैं। लेक्चर हॉल भी हैं अलग से बट मेन बिल्डिंग में इन दोनों के स्पेशल लेक्चर लगते हैं। और सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, यहाँ पर लाइब्रेरी भी यहीं पे ही है और हिस्ट्री डिपार्टमेंट और माइक्रो बायो डिपार्टमेंट एंड फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट और इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट भी यहीं पे ही है। तो जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं वो सब मेन बिल्डिंग में ही है। और चले देखते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर मेन बिल्डिंग का और सबसे पहले स्टार्टिंग होती है बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। यहाँ पर साइकिल्स लगती हैं बायोकेमिस्ट्री की। और इस एरिया में लगती हैं हिस्टो की क्लासेस, हिस्टोलॉजी की। ये सारे क्लासेस हिस्ट्री की हैं, अलग अलग ग्रुप्स की क्लासेस अलग अलग क्लासेस में रखती हैं। और इधर ये है नोटिस बोर्ड
यहाँ पर कौन कौन से लेक्चर किस डेट को होते हैं और कौन से टीचर किस क्लास को पढ़ाती है, ये सब लिखा है। तो गाइस अभी हम चले लाइब्रेरी में और लाइब्रेरी यहाँ की बड़ी अच्छी है। वी कैन फाइंड एनी बुक जो भी हमें चाहिए और यहाँ पर आप अपने पासपोर्ट या मोबाइल फ़ोन रख के कोई भी बुक इशू कर सकते हैं और यहीं पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सेटिंग फैसिलिटी भी है और ये खुली रहती है टिल यूनिवर्सिटी टाइमिंग्स। अपना पासपोर्ट देके यहाँ पे लाइब्रेरी कार्ड मिलता है उसे देखें, यू कैन इशू एनी बुक। और ये खुलती है मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से 6 बजे तक, ठीक है? तो जब तुम्हारा मन करे पढ़ लो आगे। तो गाइस ये थी मेन बिल्डिंग और अब हम जा रहे हैं फिजियो डिपार्टमेंट और उसके बाद हम देखेंगे लेक्चर हॉल्स और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एंड लेट्स सी। बिल्डिंग भी बोलते हैं सर हमारे कॉलेज के, यहाँ पर सारे मेन लेक्चर्स तो नहीं लगते बट ज़्यादातर लेक्चर ही पर मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, मेडिकल बायोलॉजी फिजिक्स हो गई, हिस्ट्री ऑफ एशिया, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। तुम्हारे टाइम टेबल पर लिखा होगा कि कौन कौन से लेक्चर यहाँ पर लगते हैं इस तुम्हारे सेमेस्टर में, कौन कौन से लेक्चर लगे हैं वो हिसाब से तुम देख लेना और सारे लेक्चर ही लगते हैं, ठीक है? अब चलते हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। तो गाइस हमारे कॉलेज में दो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, एक तो है ये जिसमें हेड बैठती है HOD और ये मेन डिपार्टमेंट है, यहाँ पर बास्केटबॉल, फुटबॉल, स्विमिंग और टेबल टेनिस, बैडमिंटन सब चलता है। और एक है इस तरफ जाके ये वाला, इधर फुटबॉल मेनली चलता है। तो ये हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है और अभी हम अंदर जाएंगे।